ऐसे कोई खास प्लान्स तो है नहीं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों को मतलब विश करने का मौका मिल रहा है आप लोगों के चैनल्स के ज़रिए, सो आई एम हैप्पी एंड नथिंग स्पेशल। मैं होली इतना मतलब रंगों के साथ खेलता नहीं हूँ, मेरे लिए मतलब कलर के मायने मतलब इंटरनल होते हैं। यू हैव टू फील हैप्पी, फील कलरफुल एंड प्ले जिस तरीके से भी आप चाहें वैसे खेल सकते हैं। तो मैं भी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ आज, बट मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके। आर आई द मोर ड्राई, ऑफकोर्स बचपन में पानी वाली होली ज़्यादा खेला करते थे हम, लेकिन अभी सब कुछ मतलब एनवायरमेंटल और रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर मतलब सब कुछ मिनिमल हो गया है, सब कुछ छोटा हो गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट, फॉर आर कंट्री, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर एवरीबडी, फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। सो आई थिंक सब कुछ सिस्टम के साथ, कम समय में, कम रंगों के साथ, कम पानी के साथ खेली जानी चाहिए, इनफैक्ट विद नो वाटर। जैसे कि मैंने कहा कि रंगों से आई थिंक हमारा जो देश है, हमारी सड़कें जो हैं, वातावरण गंदा हो जाता है, तो आई थिंक रंग कम ही हो तो बेटर होगा। एंड मेरे लिए रंगों के मायने मतलब इंटरनल होते हैं, आप अंदर से रंगीन महसूस करनी चाहिए, आपको रंगीन मतलब आपको अंदर से रंगीन महसूस करना चाहिए, एंड नॉट विद कलर ऑन योर फेस और एनीथिंग, बट अगर थोड़ी बहुत ड्राई कलर के साथ अगर होली खेली जा सकती है तो वाई नॉट, ईच टू हिज ओन। ऑयल पेंट और ये सारी जो पुरानी चीज़ें जो हम यूज़ करते थे, अंडे फेंकते थे, मतलब मेरा लोगों को कीचड़ में घुछा, मतलब लोगों को खींच कर कीचड़ में डालना, मतलब वो सब मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्टी एंड लेट्स हैव एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली पार्टी। What else would one do on someone's birthday besides wishing that person? So I think like all of you and like all the other celebrities, I'd like to wish her too. तो आपको कभी हम आलिया भट्ट के सामने काम करते हुए देखेंगे? I have no clue. I think I look young enough to work with her too, but there has to be someone who wants to bring us together. I don't know yet. होली का मतलब है कि हम हमारे अंदर की बुराई को